वक्त बी टाउन की सबसे हॉट गॉसिप क्या है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि शाहरुख का सलमान को दिया हुआ बेशकीमती तोहफा, जिसमें सलमान उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड जूलिया वेंटर से घूमते भी नजर आ चुके हैं। पर अब इन सारी बातों को झुठलाते हुए सलमान के करीबी सूत्रों ने बताया कि एक कैमियो के बदले सलमान कभी भी ऐसा तोहफा कबूल नहीं करेंगे। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान के एक क्लोज सोर्स ने बताया, ये सरासर झूठ है। सलमान और शाहरुख के दोस्ती में ऐसे जेस्चर्स की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी सलमान कभी भी एक कैमियो के बदले ऐसा कोई तोहफा कबूल नहीं करेंगे और ना ही एसआर के करते। इस विषय पर आगे बात करते हुए इन्होंने कहा, कैमियोस को ना कहने के बावजूद सलमान अगर फिर से कैमियो करने के लिए तैयार हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के खातिर। वैसे अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लग्जूरियस कार के पीछे क्या कहानी है। तो दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय हैं? वेल, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान और रणबीर कपूर जब भी भूलकर या अनजाने से एक ही जगह पर दिख जाते हैं, इनका छुपन छुपाई का खेल शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली कटरीना के दोनों एक्स लव इंटरेस्ट एक दूसरे को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर किस्मत है कि बार बार इनको आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। ट्यूबलाइट और जग्गा जासूस के प्रमोशन के दौरान महबूब स्टूडियो में नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशन को फेस करने के बाद अब एक बार फिर यशराज स्टूडियोज में कुछ ऐसा ही हुआ। वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सलमान खान यशराज स्टूडियोज में आनंद एल राय के साथ शाहरुख खान की ड्वार्फ फिल्म के लिए कैमियो शूट करने में बिजी थे, और उसी दिन कोइंसिडेंटली रणबीर कपूर भी अपने कजन आदर जैन को लॉन्च करने वायरफ स्टूडियोज पहुंचे थे। हालांकि इस इवेंट के बाद रणबीर ने शाहरुख से तो मुलाकात की, लेकिन दूसरे खान से एज यूजुअल बचते दिखे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पर।